प्रश्न 31, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, एक गणतंत्र दिवस, दो स्वतंत्रता दिवस, तीन गांधी जयंती, चार उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चार उपरोक्त सभी। भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृति और त्योहारों की भूमि है और प्रत्येक त्योहार पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भारत केवल तीन राष्ट्रीय अवकाश मनाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय अवकाश भारत की स्वतंत्रता और भारत की संस्कृति, परंपरा और एकता की याद में मनाया जाता है। इस समय हम स्वतंत्रता सेनानियों के महान त्याग और उनके सम्मान को याद करते हैं। प्रश्न 32, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, एक 1886 में, दो 1883 में, तीन 1896 में, चार 1882 में। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है तीन 1896 में। 1896 में पहली बार वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को सभा द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने इस कविता की पहली दो पंक्ति को भारत का राष्ट्रीय गीत चुना। कांग्रेस की कार्यरत बैठक ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत चुना। 5 साल बाद 1901 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में इसे दक्षिणाचरण सेन द्वारा गाया गया। कवियत्री सरला देवी चौधरानी ने इसे 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। प्रश्न 33, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, एक 27 दिसंबर 1911, दो 15 अगस्त 1947, तीन 26 जनवरी 1950, चार 27 दिसंबर 1930। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है एक 27 दिसंबर 1911। राष्ट्रगान जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इस गाने के हिंदी वर्जन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में चुना। 27 दिसंबर 1911 को यह पहली बार कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे 1950 में अपनाया गया था। यह 5 छंदों की गीत है और भारत की स्वतंत्रता और सम्पन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। इस गीत का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह पूरे देश भर में विशेष प्रयोजनों पर गाया जाता है। प्रश्न 34, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, एक संस्कृत, दो अंग्रेजी, तीन हिंदी, चार फारसी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है तीन हिंदी। हिंदी भारत की राजकीय भाषा है और यह पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी आधुनिक हिंद आर्य भाषा है, जो कि प्राचीन संस्कृत भाषा से निकली हुई है। यह अन्य भाषाओं जैसे पर्शियन, अरबी और अंग्रेजी भाषा से प्रभावित है और यह 500 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भी आधिकारिक भाषा है। यह मीडिया, शिक्षा और व्यापार में इस्तेमाल की जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। इस लिपि का इस्तेमाल संस्कृत और मराठी भाषाओं में भी होता है। प्रश्न 35, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, एक ब्राह्मी लिपि, दो संस्कृत लिपि, तीन देवनागरी लिपि, चार कर्सिव। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है तीन देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि है। इसे नागरी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। यह मुख्यतः संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। लिपि समानुपात में लिखी गई है और वर्णों का अनुक्रम तार्किक है। देवनागरी लिपि शताब्दियों से इस्तेमाल में है और यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह भारत के सांस्कृतिक और भाषाई विरासत की प्रतीक है और राष्ट्रीय साहित्य के संरक्षण और विकास के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न 36, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, एक समुद्री पंचांग, दो हिजरी पंचांग, तीन साका पंचांग, चार भारतीय पंचांग। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है तीन
साका पंचांग। साका कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह आधिकारिक कैलेंडर है। यह ठीक उसी फॉर्मेट पर आधारित है जिस फॉर्मेट पर ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है। इसमें 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया है। साका काल के समय इस ऐतिहासिक कैलेंडर को बनाया गया था। इसके द्वारा 1957 में ही एक मानक कैलेंडर को सबके समक्ष प्रदर्शित किया गया। इस कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च से वर्ष का आरंभ होता है। प्रश्न 37, भारत का आधिकारिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक भारत, दो आर्यावर्त, तीन भारत गणराज्य, चार उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है तीन भारत गणराज्य। भारत को आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य के रूप में जाना जाता है। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है और एक संसदीय प्रणाली के तहत शासित एक संघीय गणराज्य है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यह एक विविध राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं। प्रश्न 38, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, एक, तीन, दो, चार, तीन, एक, चार, पाँच। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है दो, चार। अशोक स्तंभ पर बने सिंह चतुर्भुज को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। इस प्रतीक में चार एशियाई शेर दर्शाए गए हैं जो क्रमशः शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। प्रश्न 39, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक अशोक चक्र, दो अशोक स्तंभ, तीन सिंह चतुर्भुज, चार शौर्य चक्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है दो, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत गणराज्य सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित का प्रतीक है। भारत में विभिन्न जगहों पर उपस्थित अशोक स्तंभ से ये साबित होता है कि राजा अशोक अपने समय में कितना मजबूत और बहादुर थे। अशोक के स्तंभ विशाल स्तंभों का एक समूह है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। प्रश्न 40, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक अशोक चक्र, दो भारत रत्न, तीन शौर्य चक्र, चार परम वीर चक्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है दो, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका कानून 1954 में बना था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, कला, सार्वजनिक सेवा और खेल में महान कार्य किए हैं। ये पुरस्कार सभी के लिए है चाहे वे किसी भी जाति, नौकरी, पद या लिंग के हों। प्रश्न 41, भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन महात्मा गांधी, चार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है तीन, महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे एक भारतीय वकील व राष्ट्रवादी थे जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के सफल अभियान का नेतृत्व किया। वे लोगों को उनके नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता पाने के लिए हमेशा डटे रहने को प्रेरित करते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।